हेलो फ्रेंड्स, राजरानी की किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन विथ मसाला पुलाव। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg चिकन लिया है, इसे जिंजर गार्लिक पेस्ट से मैं मैरिनेट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें कुछ और मसाले ऐड करूँगी। सारे को अच्छे से मिला लेने के बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला सारे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे हंग दही लिया है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार और कसूरी मेथी सारे को मिक्स कर लीजिए। इसमें सारे को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पे नींबू का रस में कलर को मिक्स करके इसमें डाला है, जिससे कलर काफ़ी अच्छा आएगा। सारे को अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे राइस का रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल डाला है, फिर मैं यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करने के लिए लो फ्लेम पे आप प्याज को फ्राई करें और प्याज फ्राई हो जाए तो उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। फिर मैं यहाँ पे होल स्पाइसेस सारे डाल दूंगी। आँच को अब मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। फिर मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। सारे को अच्छे से मिक्स भून लेना है। फिर मैं यहाँ पे दही में गरम मसाला पाउडर मिक्स करके मैं इसमें डालूँगी। और जब दही डाले तो आँच को धीमे रखिएगा। सारे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे तंदूरी मसाला डाल रही हूँ, जो मैंने अभी सारे मिक्स किए थे मसाले। नमक स्वाद के अनुसार डाल दीजिए। मसाले अच्छे से भून जाने के बाद मैंने यहाँ पे 2 कप बासमती राइस का यूज़ किया है, जिसे मैंने 1 घंटे तक भिगो के रखा था। राइस डालने के बाद सारे को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। 2 कप मैंने राइस की जगह 4 कप मैंने पानी डाला है, जो कि गर्म पानी है। सारे को इसमें डाल के इसे पकने दे 15 से 20 मिनट तक। अब मैं यहाँ पे तंदूरी चिकन बना लेती हूँ। पैन पे मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है और तंदूरी चिकन इसमें रख देंगे। और हाई फ्लेम पे दोनों साइड से इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। दोनों साइड से आपको इसी तरीके से रोस्ट करना है। उसके बाद इसे आंच को बिल्कुल ही धीमी करने के बाद इसे 5 से 10 मिनट तक इसे पकने दें, वो भी ढककर। जब तक पकाएं, जब तक कि चिकन अच्छे से पक ना जाए, इसे कवर करके आपको पकाना है। तब तक राइस देख लेते हैं। राइस यहाँ पे मेरा हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे फ्राइड अनियन ऊपर से डाल दूंगी और मैं यहाँ पे थोड़ा घी डाल रही हूँ ऊपर से। थोड़ा यहाँ पे मैंने फूड कलर का भी यूज़ किया है। इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। और ये देखिए, राइस मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे तंदूरी चिकन देख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तंदूरी चिकन भी देख मेरे यहाँ रेडी हो चुका है। दोनों साइड से ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। सारे को मैंने इसी तरह बना लिया है, ये गल भी गया है। इसके बाद मैं इसमें बटर लगा रही हूँ, इसे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और फिर इसे मैं प्लेट पे सर्व कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पहले राइस को लगाया है, ये आप देख सकते हैं खिले खिले चावल बने हैं। इसके ऊपर मैं रखूँगी चिकन और फिर मैं इसे अनियन सैलेड के साथ गर्मा गर्म सर्व करूँगी। थोड़े फ्राइड अनियन डाल दे ऊपर से। बस ये रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।